Good morning, students. So today we will discuss again the explanation part of the poem number 3, Rain on the Roof. The poem was written by Kurt Skinner. So first of all, again we will repeat the first stanza of the poem. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. अर्थात इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि वर्षा के जो बादल हैं वो आकाश के सभी तारों को ढक लेते हैं तथा उदास और दुखी चेहरा चुपचाप वर्षा की बूंदों के रूप में आंसू गिराता रहता है. एंड द मेलनकली डार्कनेस जनरली वीप इन द रेन टियर्स. वर्षा की जो बूंदें हैं वो इस तरह से हमें प्रतीत होती हैं जैसे कोई उदास व्यक्ति आंसू बहा रहा हो. अर्थात यहाँ वर्षा की बूंदों और आंसुओं की बूंदों की तुलना बहुत ही उचित और सुंदर तरीके से की गई है. सो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दीज लाइंस ऑफ द स्टैंजा इन इंग्लिश. द रेन बोरिंग क्लाउड्स द रेन बियरिंग क्लाउड्स हाइड ऑल द स्टारी स्टार्स ऑफ द स्काई एंड द सैड एंड सोरोफुल डार्कनेस सॉफ्टली शेड्स इट्स टीयर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स. द रेन ड्रॉप्स सीम टू बी टीयर्स शेड बाय समवन हु इज सैड. The comparison between drops of rain and tears is apt and beautiful. Now see, stanza number 2. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. अर्थात यहाँ सिर के नीचे तकिए को दबाए हुए अपने शयन कक्ष के बिस्तर पर लेटकर छत पर गिरती हुई वर्षा की जो बूंदे हैं and lie listening to the patter of the soft rain overhead. वह अपने छत पर गिरती हुई वर्षा की बूंदों को धीमे धीमे जल्दी दोहराए जाने वाले स्वर को सुनना उसके लिए बहुत ही अत्यंत आनंदपूर्ण और अनुभवपूर्ण होता है. और तालबद्ध रूप से गिरती हुई वर्षा की जो बूंदे हैं वो कवि के कानों के लिए बहुत सुखद हैं और वह कवि का मन हमेशा बहलाती रहती है. सो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दीज लाइन्स ऑफ द स्टैंजा इन इंग्लिश. इट इज ए ग्रेट जॉय टू लाई ऑन ए कॉटेज चैम्बर बेड pressing the pillow under one's head and listen to the light repeat rapid and repeated sound of the raindrops softly falling on the overhead roof. The rhythmic pattern of the raindrops falling is joy to the ears and gives solace to the poet. अर्थात यहाँ जो कवि है जब सिर के नीचे तकिए को दबाए हुए अपने जब शयन कक्ष में अर्थात बेडरूम में जब लेटा रहता है तो जब उसके छत पर जो गिरती हुई वर्षा की बूंदे हैं वह उसे बहुत ही आनंददायक अनुभव देती है. अर्थात उसके गानों को बहुत अधिक सुखद अनुभव महसूस कराती है और उसका मन बहलाती रहती है. नाउ सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टैंजा. सी फर्स्ट स्टैंजा नंबर 3. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट. शिंगल्स मीन्स छत पर लगने वाली जो चौकोर टाइलें होती है उन्हें हम शिंगल्स बोलते हैं. एंड टिंकल मीन्स छोटी छोटी हल्की घंटियों की बजने की जैसी ध्वनि जो हमें सुनाई देती है. फैंसीज का मतलब होता है विचार या कल्पनाएं. एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. सो हियर द पोएट वांट्स टू से कि छत पर जो टाइलें लगी हुई हैं उन पर गिरती हुई वर्षा की बूंदों की छोटी छोटी हल्की घंटियां बजने से जैसी जो ध्वनि है कवि के हृदय में प्रतिध्वनि पैदा करती है. उनके हृदय में असंख्य स्वप्न विचार और कल्पनाएं जागृत होती हैं. कवि का जो भूतकाल है कवि भूतकाल के सपनों में खो जाता है जो कि उसके व्यस्त दिन हो पड़ों से जो उसके व्यस्त दिन में दूर पड़े हुए दिखाई दे रहे थे. सो हियर आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दीज लाइंस इन इंग्लिश. एवरी शॉर्ट लाइटेड रिंगिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द टाइल्स ऑफ द रूफ फाइंड्स इट्स रिफ्लेक्शन इन द पोएट्स हार्ट. Innumerable dream-like thoughts and ideas are aroused in his heart. The poet is taken into his dreamy past, which otherwise lay distant on busy days. Now see paragraph number 4, stanza number 4. And a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. वूफ का मतलब होता है करघे पर बुने हुए धागे. तो कवि के जो शयन कक्ष की जो छत पर गिरती हुई बूंदों की जो घंटी है वो कवि के हृदय में समान प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है. उसके हृदय में असंख्य कल्पनाएं और स्मृतियां जागृत होती हैं जिससे
उसके अदृश्य सूत्र परस्पर बुने जाकर वस्त्र के समान रचना बन जाते हैं और वह छत पर गिरने वाली वर्षा की बूंदों की पटपट की ध्वनि को सुनता है। सो हियर आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दीज स्टैंजा इन इंग्लिश। एवरी टिंकलिंग साउंड ऑफ द टाइल्स ऑफ द रूफ ऑफ द पोएट्स चैम्बर हैज इट्स क्लोज इमिटेशंस इन द पोएट्स हार्ट। इनुमरेबल फैंसीज एंड मेमोरीज आर अराउज्ड इन हिज हार्ट द इनविजिबल थ्रेड्स of which are woven into a texture as he listened to the patter of the rain upon the roof. Now see stanza number 5. Now in memory comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers or she left them till the dawn. तो कवि यहाँ कवि की जो माँ है जो मर चुकी है वह अचानक से उसकी स्मृति में आती है और कवि कल्पना करता है कि वह प्रेम और ध्यान से के साथ अपने बच्चों की ओर देख रही है जो उसके लिए बहुत प्यारे थे, उससे पूर्व की वह सूर्योदय होने तक के लिए उनसे विदा ले। ये सभी स्मृतियां कवि के मानस पटल पर आती हैं। वह उन बीते हुए वर्षा की यादों में खो जाता है और अपनी बाल्यावस्था में अपनी माँ बहनों और भाइयों के साथ बिताए थे उन यादों को वह वापस से ताजा करता है। सो हियर द पोएट वॉन्ट्स टू एक्सप्लेन द पोएट्स मदर अबाउट पोएट्स मदर हु हैज नाउ डैड कम्स टू हिज मेमोरी। He dreams of her looking lovingly and attentively at her children who were so dear to her before bidding them farewell till the dawn. All these memories come to the poet and he remembers the bygone years of his childhood spent with his mother and siblings. Now see the stanza number 6. Oh, I feel her look, fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो कभी यहाँ अपनी मृत माँ की यादों में भावुक उठता है, वह भौतिक रूप से उसकी दृष्टि को स्वयं महसूस करता है और अपने शयन कक्ष की जो छत की टाइलों पर गिरती हुई वर्षा की बूंदों को संगीत में ध्वनि को सुनता है। ये वर्षा की बूंदें की लगातार संगीत में ध्वनि उसे अपनी माँ से मिलवाती है जो आज भी उसकी उपस्थिति का एहसास उसे करवाती है। सो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दीज लाइंस ऑफ दिस स्टैंजा इन इंग्लिश। The poet becomes emotional in his recollections of his dead mother. He physically feels her loving look on him when he listens to the melody of the raindrops falling upon the tiles of the roof of his cottage chamber. The repetitive rhythmic sound of the rain unites the poet with his mother and makes him feel her presence even today. So, this is the complete explanation part of this poem. In the next video, we will discuss about the literary devices which are used in this poem. If you have any doubt or any problem in these stanzas, then you can ask me on my personal contact number or message me. Till then, thank you very much.